If we have a uniform rod, of mass M and length L, and if that rod, this is a uniform rod, mass M, length L, if that rod is being rotated about an axis passing through center, and in another situation, if that rod is being rotated about an axis passing through one of its end, यदि इस रॉड को सेंटर के अबाउट एक्सिस से रोटेट करा जाए या फिर इस रॉड को किसी एंड से पास होती हुई किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टू केसेस. इन दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू होगी. देखिए, नाउ दिस इज अ कंटीन्यूअस मास सिस्टम. इस कंटीन्यूअस मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हमें यह डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम. मगर द बेसिक प्रिंसिपल इज कि जो कंटीन्यूअस मास सिस्टम है उसमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर उसे डिस्क्रिटाइज कर दिया जाए और डिस्क्रिटाइज करके डिस्क्रीट एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करा जाए. डिस्क्रीट एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करके उसे इंटीग्रेट करके पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करा जाए. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. अब इस बेसिक प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना, किसी भी कंटीन्यूअस मास सिस्टम के लिए सबसे पहले आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी जरूर डिफाइन करते हो. वह क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहे, जो यूनिफॉर्म रहे. यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास एम है और लेंथ एल है, यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास एम है और लेंथ एल है, इसके लिए हम कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ जो कि कांस्टेंट होएगा, जो कि यूनिफॉर्म होगा, हम इसे रो से डिनोट कर सकते हैं, और टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ यह कह सकते हैं, और यह एक कांस्टेंट. नाउ दिस वुड बी अ कंसेप्ट व्हिच वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन एज वेल एज इन दिस सिचुएशन. इन दोनों ही सिचुएशन में यह कंसेप्ट तो यूनिफॉर्म है, कोई फर्क नहीं. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही केसेस में हम डिफरेंशियल मास लेंगे और डिफरेंशियल मास लेकर उसको डिस्क्रिटाइज करेंगे. जैसे इधर हमने यह डिफरेंशियल मास लिया x की दूरी पर, हमारी रेफरेंस एक्सिस से x की दूरी पर, और dx विड्थ का. इधर भी हम यही काम करें, रेफरेंस एक्सिस से x की दूरी पर और dx विड्थ का यह डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया जाए. अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm होगा. इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm होगा. यह डीएम मास डिटरमाइन करा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ हमने लिख रखा है. मास वुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ इज एम बाय एल एंड द लेंथ इज डीएक्स. इन बोथ द सिचुएशन, इन दोनों ही केस में डीएम मास होगा एम बाय एल इंटू डीएक्स. अब इस
जगह पर r की जगह हम x लिखेंगे और इस जगह पर भी r की जगह हम x लिखेंगे और di इन दिस सिचुएशन वुड बी x स्क्वायर dm और x स्क्वायर m by l into dx. इधर भी di इसी तरह से लिखा जाएगा. अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास सिस्टम इज इंटीग्रल ऑफ di इंटीग्रल ऑफ n by l into x square dx. This is moment of inertia. m by l जो कि constant है, इसे हम integral sign से बाहर ले ले, x square dx. और x की limit, पहला element जो हम इधर लेंगे, इसके लिए x होएगा माइनस एल बाय टू और आखिरी एलिमेंट हम इधर लेंगे उसके लिए x की वैल्यू होगी प्लस एल बाय टू. तो माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू इट्स m बाय एल इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री फ्रॉम माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू. Of moment of inertia is m by l into l cube. ये थ्री तो बाहर आ गया. L by टू whole cube minus of minus l by टू whole cube. Simplify कर लीजिए. You'll get m l square by 12 in this situation. एक रॉड का सेंटर के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m l square by 12. जबकि इस सिचुएशन में यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे कल तक हम यही रखेंगे di is equal to x square dm or x square into m by l dx. Total moment of inertia निकालने के लिए limits में change आएगा. m by l ऐसा कैसा ही x square dx. हम पहला एलिमेंट इधर लेंगे जिसके लिए x की वैल्यू जीरो होगी और आखिरी एलिमेंट हम इस जगह पर लेंगे जिसके लिए x की वैल्यू l होगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी m बाय l इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री फ्रॉम जीरो टू l और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m l square by 3. इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m l square by 3. सबसे पहली बात ऑब्जर्व मास सिस्टम वही है यूनिफॉर्म रॉड मास m लेंथ l. इस मास सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l square by 12 और इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3. मतलब एक ही मास सिस्टम को अलग अलग एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है होता है. इन दोनों केस में रेडियस ऑफ गायरेशन लिख सकते हैं. इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे लिखेंगे. हम कहेंगे दिस मस्ट बी इक्वल टू एन इंटू आर जी वाई स्क्वायर. इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन होएगा
एल बाय रूट 12 और इस केस में भी इसी तरह से हम कहेंगे रेडियस ऑफ डायरेक्शन कंसेप्टलाइज करने के लिए दैट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी इक्वल टू पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया तो मास एम होएगा और आर की दूरी पर रखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर और यदि यह इसके बराबर हुआ रेडियस ऑफ डायरेक्शन इन दिस सिचुएशन इज एल बाय रूट 3 We have two different values of radius of gyration. In the two cases. अब एक concept और बताता हूं इसी rod के साथ. यदि मैं इस rod के mass को axis के parallel फैला दू यदि मैं इस rod के mass को axis के parallel फैला दू डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इसे एक प्लेन बना दो मास वही का वही है मास में कोई परिवर्तन नहीं है लेंथ वही की वही है लेंथ में भी कोई परिवर्तन नहीं है मगर एक्सिस के पैरेलल फैल जाने से ब्रेथ बी हो गया और रोटेट उसी एक्सेस के अबाउट करा जा रहा वन वुड ऑलवेज कंक्लूड दैट आप इस मास को एक्सेस के पैरेलल कितना भी फैला दो ब्रेथ भी कुछ भी हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा यदि आपने मास को एक्सिस के पैरेलल फैलाया है तो कितना भी फैलाओ यहां ब्रेथ भी कितना भी हो इससे कोई मतलब नहीं होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा द सेम कंसेप्ट हियर एज़ वेल यदि मैं इस मास को एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से फैला दूं यह मास एम लेंथ वही एल रहा ब्रेथ वही बी रहा और इसी तरह से इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा जा रहा है कंसेप्ट इज कि मास को एक्सिस के पैरेलल फैलाया हुआ मास को एक्सिस के पैरेलल फैलाया हुआ तो इस कंडीशन पर इस ब्रेथ भी कितना फैलाया इससे कोई मतलब नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में भी एम एल स्क्वायर बाय 3 ही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इस तरह की रॉड यह एक रॉड है यह एक रॉड और इसको ऐसे ऐसे रोटेट करता मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर मास इज एम लेंथ इज एल और अब इसी रॉड को मैंने मास में कोई फर्क नहीं कर रहा ना मास बढ़ रहा है ना घट रहा है इसी रॉड को मैंने ऐसे फैला दिया इस तरह से और ऐसे ऐसे करने लगे वही एक्सेस मास एक्सेस के पैरेलल फैल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही एम एल स्क्वायर बाय 3 रहेगा मैं चाहूं तो इसको इस तरह से और फैला दूं और ऐसे ऐसे रोटेट करने लगूं उसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा यदि हम एक्सिस सेम रखते हैं और एक्सिस के पैरेलल मास को फैला देते हैं यदि इस रॉड को ऐसे रोटेट करा जा रहा है सेंटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ इट इज रोटेटेड लाइक दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 और यदि मैं इसको इस तरह से फैला दूं
और ऐसे रोटेट करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही एम एल स्क्वायर बाय 12, और यदि मैं इसको पूरा ऐसा फैला दू और ऐसे रोटेट करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा। मासेस को एक्सेस के पैरेलल फैलाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आता है। अब अगला कंसेप्ट समझाता हूं। फॉर अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यदि कोई थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग हो, मास एम रेडियस आर, दिस इज अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, मास एम रेडियस आर, इफ इट इज बीइंग रोटेटेड अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस रिंग को एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बड़ा ही आसान सा सिचुएशन है। यह तो हम कोई सा भी डिफरेंशियल मास ले, वह एक्सिस से आर की दूरी पर ही रहना है। हम कोई सा भी डिफरेंशियल मास ले, वह एक्सिस से आर की दूरी पर ही रहना है। डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी आर स्क्वायर डीएम, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is integral of di would be integral of r square dm. R is a constant, integral sign ke bahar likha ja sakega, andar sirf dm reh jayega, and integral of dm is m. Moment of inertia can be written as m r square. Or radius of gyration, इसे point mass बना दूंगा तो उस point mass का mass m ही रहेगा, और उसे r की दूरी पर रखूंगा और moment of inertia same करूंगा, तो radius of gyration would be r only. बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारा का सारा मास थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के केस में सारा का सारा मास आर की दूरी पर ही रखा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही आना है और रेडियस ऑफ गायरेशन आर ही रहना है। वंस अगेन वही कंसेप्ट, यदि इस मास को एक्सिस के पैरेलल फैला दिया जाए, यदि इस मास को एक्सेस के पैरेलल फैला दिया जाए, मास में कोई फर्क नहीं लाना है और उस मास को एक्सेस के पैरेलल फैला देना है, यदि इस मास को हम एक्सेस के पैरेलल फैला देते हैं तो बनेगा क्या? इट वुड बी अ थिन हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर बन जाएगा जिसका मास एम रेडियस आर और कुछ हाइट एच, इस तरह का सिलेंडर बन जाएगा थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, मास को उसके एक्सिस के पैरेलल फैलाया जा रहा है। यदि मास को एक्सेस के पैरेलल इस तरह से रोल कर दिया जाता है तो अंदर से खोखला रहेगा हॉलो और वो सिलेंडर बन जाएगा, मास एम ही रहेगा क्योंकि उसी मास में बढ़ा रहे ना घटा रहे, रेडियस भी उतना नहीं रहेगा
और कुछ हाइट h, मास m और रेडियस r. नाउ द कंसेप्ट सेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं आएगा यदि मास को एक्सिस के पैरेलल रोल करा जा रहा है, एक्सिस के पैरेलल फैलाया जा रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगा इन दिस सिचुएशन एज वेल. रेडियस ऑफ गायरेशन आर ही रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी आर ही रहेगा. अब इस सिचुएशन को देखने के बाद हम थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए सिचुएशन को समझते हैं कि यदि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क होती तो उसके लिए सेंटर ऑफ उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिटरमाइन करा जा सकता था और क्या एक्सप्रेशन होगा. पहले इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. ऑल्दो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, कोई डाउट आने के कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होते. इफ वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क मास m एंड रेडियस r एंड इफ दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज बीइंग रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास होते हुए इस एक्सिस के अबाउट हम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क को रोटेट कर रहे हैं. इन दैट केस व्हाट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास सिस्टम व्हेन इट्स बीइंग रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस. अब वंस अगेन इट्स अ कंटीन्यूअस मास सिस्टम और कंटीन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हम जो इक्वेशन लगाएंगे दैट इज इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम. मगर उसे भी लगाने के लिए हमें तैयारी करनी होगी, डीएम की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, आर किसे लेके हम यह सोचना होगा. देखिए सबसे पहले हम एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं एंड दैट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी मस्ट बी मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया. सिंस मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया इसलिए मास पर यूनिट एरिया एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी. सिग्मा से हम डिनोट करते हैं टोटल मास m है, एरिया है पाई आर स्क्वायर और यह एक कांस्टेंट वैल्यू है. अब मास पर यूनिट एरिया डिफाइन करने के बाद हमें एक डिफरेंशियल मास चूज करना है और उस डिफरेंशियल मास के लिए डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है. इन दिस सिचुएशन दैट डिफरेंशियल मास must be a ring, एक ring हम choose कर ले जो कि x radius की है और जिसका width dx है. x radius की और dx width की एक ring हम choose कर लेते हैं. इस रिंग का जो लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ द रिंग वुड बी
2 pi x, the circumference, this is the length, x is the radius, width is dx. We used to say differential area of the ring, differential ring hai, isliye iska area bhi differential, would be L into differential width, that is 2 pi x into dx. This is differential area of the ring. अब इसका डिफरेंशियल मास होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू डिफरेंशियल एरिया, दैट इज एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई एक्स डीएक्स. हम पाई से पाई को काट दें, dn is 2m by r square into x dx. कुछ इस तरह का काम हम इसके पहले भी सेंटर ऑफ मास समझते समय कर चुके. अब इस डिफरेंशियल रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंशियल होएगा, एंड दैट डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी एक्स स्क्वायर डीएम. इसका रेडियस है एक्स और इसका मास है डीएम, सो दिस वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टू एम बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स. Of 2n by r square into x cube dx. अब हम कहते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, दिस वुड बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2n by r square, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx. लिमिट चेक करें, पहला एलिमेंट हम r इक्वल टू जीरो पर लेंगे, x इक्वल टू जीरो पर लेंगे, और आखिरी एलिमेंट जो लेंगे वो आप x इक्वल टू r पर लेंगे. लिमिट्स ऑफ x गोज फ्रॉम जीरो टू r, दिस वुड बी 2m बाय r स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 बाय 4 फ्रॉम जीरो टू r. And one can conclude that moment of inertia is mr square by 2. Moment of inertia is mr square by 2. कर लीजिए रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन डिटरमाइन करने के लिए टोटल मास m इंटू आर जी वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. रेडियस ऑफ गायरेशन कम्स आउट टू बी r बाय रूट टू. वंस अगेन, इस मास को यदि मैं एक्सिस के पैरेलल रोल कर दो, एक्सिस से दूर नहीं ले जाना है, एक्सिस से पास नहीं लाना है, एक्सिस के पैरेलल इस मास को रोल कर देना. यदि हम इस मास को एक्सिस के पैरेलल रोल कर दें तो यह एक बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, जिसका कि मास m है
रेडियस आर है और हाइट एच है। यहां हाइट एच हो गई, मास वही एम और रेडियस आर, और इस सिलेंडर को इसी एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होती हुई इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आएगा, एक्सिस के पैरेलल यदि मास को हम रोल कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू ही रहेगा, डोंट बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी कैन ऑलवेज प्रूव दिस। अब बड़े ध्यान से देखें, कोई डाउट हो